हेलो ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों के लिए ओपन बुक को लेकर बहुत सी न्यूज़ बताई जा रही हैं, जिससे आप लोगों का जो माइंड है डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, मतलब एक अलर्ट आप सभी लोगों के लिए बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक कई सामाजिक तत्वों द्वारा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सामाजिक तत्वों से, यहाँ पर तात्पर्य यह होगा कि जो यूट्यूब है और अदर व्हाट्सएप पर आपको ये देखने को मिल रहे होंगे ओपन बुक के लिए, बहुत से ऐसे हैं जिससे आपको भ्रमित होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि जो स्टूडेंट हैं उनको इनसे भ्रमित नहीं होना, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा मिल रहा है देखने को, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने भी वीडियो बनाई थी, अभी 9वीं और 11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाया वीडियोस में, पर फिर भी आप लोगों के लिए समझ में नहीं आया है तो मैंने फिर से एक और वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, जो कि आप सब समझोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि जो छात्र हैं उन्होंने ऑफलाइन परीक्षा का जो विरोध जताया कोरोना काल के चलते, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये एक प्राइवेट मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेटली बताया गया है कि हमारे स्कूल में विरोध जताया है 11वीं के छात्रों ने। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब आप ही लोग यहाँ से विरोध जता रहे हो तब क्या होना है, मंगलवार को एक मीटिंग होनी थी जो कि कल वो विफल रही, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको पढ़ने से या इसको समझना पड़ेगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर 9वीं की एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा जो है ओपन बुक पद्धति से होंगी, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं पर संजय। तो यहाँ पर आपको बता दें 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट की तो कैंसिल हो चुकी है प्री बोर्ड, लेकिन 9th और 11th वालों के लिए आप लोगों को बता दें कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से होंगी। तो यहाँ पर आज शाम तक आपको सुनने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा कि आज जो मीटिंग हुई थी कल उससे क्या हुआ, कोई उसमें ज़्यादा बड़ा निर्णय नहीं लिया गया आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर। लेकिन यहाँ पर अब बता दें 9वीं एवं 11वीं के स्टूडेंट जितने भी हैं आपके पास केवल 5 दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पर आपके पास अगर 5 दिन बचे हुए हैं तो आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है अब ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही 9वीं और 11वीं को डाउट में रखा जा रहा है कि आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा या फिर बता दें तो ओपन बुक से होंगे। तो देखिए यहाँ पर बता दें कोरोना के चलते आपके एग्ज़ाम ओपन बुक से ही होंगे, फिर भी लेकिन आपको इन 5 दिन में अच्छी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अगर ये तैयारी आप नहीं करते हो तो अगर वहाँ से नोटिस आ जाता है कि नहीं होंगे ओपन बुक तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके जो प्राचार्य हैं स्कूल के उन पर डिपेंड करता है अब ये फैसला कि उनके लिए कैसे एग्ज़ाम करवानी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बताएंगे कि हमारे यहाँ पर कोरोना के जो है थोड़े कम केस हैं या फिर ज़्यादा हैं, तो जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर ओपन बुक होंगे और जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर ओपन बुक नहीं होगी। और यहाँ जनरल प्रमोशन को लेकर बात करें तो आपको बता दें जो जनरल प्रमोशन है आप लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा। 9th और 11वीं के जो स्टूडेंट है वो कृपया अपनी इन 5 दिनों में ऐसी तैयारी करो कि ना जनरल प्रमोशन आपको मिलना है और ना ही आप लोगों के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम होनी है, क्योंकि अगर ये एंड टाइम पर आपको फैसला आता है कि नहीं होना ओपन बुक तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी आप लोगों के साथ भी और जो इस डाउट में है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश पूरी की हुई है अभी वीडियो में, और नहीं आ रहा हो समझ में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर समझ सकते हो। अब यहाँ पर है 9वीं एवं 11वीं के ओपन बुक पैटर्न पर जो परीक्षाएं होनी है आपकी वो क्या है इसके लिए, तो आपको बता दूँ जो मीटिंग थी तो वो तो वहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, वहाँ पर आप लोग फिर भी डाउट में रहे हो, लेकिन अब आप लोगों का डाउट यहाँ से सारा क्लियर होगा। तो यहाँ पर बता दें कि जनरल प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा, जब 9th और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओपन बुक परीक्षा होगी, उनकी कॉपियाँ चेक होंगी, उसके बाद उनका मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें मिल जाएगा जनरल प्रमोशन, जैसे बोल सकते हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक डाउट ये बनता है कि होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग को हमने बता दिया है कि आप लोग प्लीज़ अपने जो 5 डेज हैं कीमती हैं आज से लेकर, तो उनको थोड़ा आप ध्यान में रखकर ऐसा कुछ कीजिए कि मतलब आपके अगर होते हैं ओपन बुक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो होगी नहीं, और अगर ओपन बुक नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप 5 दिन तैयारी अच्छी करो। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी अगर आपका जो लिखित आदेश जारी नहीं हो रहा है, लिखित आदेश जो है वो अगर जारी नहीं होगा और उन्होंने कह दिया कि आपके होंगे एग्ज़ाम स्कूल से, तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ 5 दिन की तैयारी अच्छी करो और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर लिखित आ जाता है ओपन बुक का तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग
समझ सकते हो कि आपकी कंडीशन क्या होगी। तो तैयारी करते रहो और हम भी आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी आप लोगों को जनरल प्रमोशन को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। 10वीं एवं 12वीं छोड़ बाकी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन, तो आपको बता दें यहाँ पर कि आप लोगों के लिए जनरल प्रमोशन नहीं मिलना है। आपको पता ही होगा कि ये जो न्यूज़ है ये अभी की नहीं है बिल्कुल भी, यह जो आपके पिछले साल की न्यूज़ है। तो यहाँ पर आपने एक थोड़ा सा डाउट था सभी को इसको लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही थी लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा था और ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप बोर्ड द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। साथ में आपको बता दें कि जो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक आपको सोशल मीडिया के द्वारा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जैसे 1 अप्रैल 2020 का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है जैसे कि मैंने आपको अभी न्यूज़ बताई है जनरल प्रमोशन वाली, वह भी पिछले साल की है। इसी तरह की बहुत सी न्यूज़ हैं जो आपको दी जा रही हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी, इनको नहीं मानना है। 5 दिन इस तरीके से तैयारी करो कि कुछ भी हो जाए आप पास हो जाओगे, टॉपर, मतलब आपकी जो तैयारी होगी वो आप खुद से कर सकते हो। थैंक